हेलो दोस्तों, आज आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा सर इन सेंटेंस को हम कैसे अनुवाद करेंगे। मेरा चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया, उसका चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया। ऐसे ही सेंटेंस को आइए हम आज अनुवाद के रूप में देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे बेल आइकन के हिट बटन को हिट करें और हमें सब्सक्राइब करें। आइए आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। बहुत दिलचस्प लेसन है जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह के वाक्यों को इडियोमेटिक यूज कहते हैं। ठीक, इडियोमेटिक यूज में हम देखते हैं इस तरह के वाक्यों का टॉप 5 सेंटेंस हमने लिए हैं जो आपके पर डे लाइफ में यूज होते हैं। पहला वाक्य, तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया, या कहें उसने सारा खेल बिगाड़ दिया। ठीक, उसका चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया, या कहें मेरा चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया। और तीसरा, सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक, चौथा, उसके दिमाग में खराबी है, या मेरे दिमाग में खराबी है। इस तरह के वाक्यों को देखिए आज कैसे हम अनुवाद करते हैं। और हमारा पांचवा है, आप तो व्यर्थ ही मुझसे नाराज हो रहे हैं, या वे तो व्यर्थ ही मुझसे नाराज हो रहे हैं। इस तरह के वाक्यों का सेंटेंस स्ट्रक्चर एक ही होता है, यह थोड़ा सा इडमेटिक यूज होता है। इनके प्रॉपर स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंस के बने हुए, इनको अनुवाद करने का एक प्रॉपर तरीका होता है जिसके माध्यम से हम इसका अनुवाद करेंगे। ठीक, इस तरह के वाक्य आपको पर डे लाइफ में यूज करने को मिल ही जाते हैं किसी न किसी माध्यम से। आइए पहले वाक्य पे अगर बात करें तो पहला वाक्य, तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया, या उसने सारा खेल बिगाड़ दिया, या कहें मैंने सारा खेल बिगाड़ दिया। इस तरह को अगर हम अनुवाद करेंगे, यू स्पॉइल्ड द होल गेम। स्पॉइल्ड का मतलब यहाँ बिगाड़ने के सेंस में होता है, होल का मतलब पूरा, सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया। ठीक, आइए दूसरे वाक्य को हम देखते हैं, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। हमारा दूसरा वाक्य है, उसका चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया, या यूं कहें कि मेरा चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया। इस तरह के वाक्यों को अनुवाद करेंगे, ही क्राइड हिमसेल्फ हॉर्स। ठीक, यानी उसका अपने आप चिल्लाने से गला क्या हुआ, खराब हो गया। तीसरा हमारा वाक्य है, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। यह काफ़ी लंबा वाक्य है, लेकिन इसे इडमेटिक यूज में करेंगे तो काफ़ी छोटा हो जाएगा। जैसे यूं कहें, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड। ठीक, यहाँ पे ये हो जाएगा। और चौथे वाक्य की अगर बात करें तो उसके दिमाग में कुछ खराबी है, यानी उसमें कुछ खराबी है। इस सेंस में अगर कहें, देयर इज सम स्क्रू लूज इन हिज माइंड, जैसे आप कहते हैं उसका स्क्रू ढीला है, उस सेंस में इसको लेते हैं, देयर इज सम स्क्रू लूज इन हिज माइंड। आइए हमारा पांचवा सेंटेंस है, आप व्यर्थ ही मुझसे नाराज हो रहे हैं, या मैं व्यर्थ ही आपसे नाराज हो रहा हूँ। इस तरह के वाक्यों को अगर हम अनुवाद करेंगे, यू आर गेटिंग क्रॉस विथ मी फॉर नथिंग। गेटिंग क्रॉस फॉर नथिंग, इस सेंटेंस में आप हमसे बेकार में ही नाराज हो रहे हैं। ये आज हमारे टॉप 5 वर्ड्स है जिसको मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप ऐसे ही दो वाक्यों का अगर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं तो मुझे समझ में आएगा।